ये उत्सव है जीवन का, ये उत्सव है उन संस्कारों का जो घुले हुए हैं हमारी रगों में, ये उत्सव है उस संस्कृति का जिसमें राम राज्य की परिकल्पना है। जीवन के वो मूल्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस समाज को देकर गए, और अब हमारे वही रामलला विराजेंगे अपने दरबार में, नगर सजेंगे, नगरवासी स्वागत गीत गाएंगे, दीप जलाएंगे। आखिर कितनी लंबी प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है। श्री राम ही तो हैं हम सबके जीवन का आधार, पर इंतजार बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। श्री राम की महान गाथा जो हम सबके हृदय में बसती है, सदियों से हमारी पीढ़ियां सबसे पहले हमें वही सुनाती हैं जिसे सुनकर हम बड़े होते हैं, हमारे आराध्य, हमारे भगवान। साक्षात नारायण ने जन्म लिया था मानव रूप में, अहिल्या का उद्धार किया, असुरों का संहार किया, सुग्रीव और विभीषण को राजा बनाया, इस धरती पर ईश्वर का अवतार प्रभु राम। भगवान राम ने अपना संपूर्ण जीवन न्यायप्रियता के साथ जिया, और उसके बाद अयोध्या जी में श्री राम के भक्तों ने बनाया उनका भव्य मंदिर। समय बीतने के साथ कई सभ्यताएं आई गईं, लेकिन प्रभु राम का मंदिर हमेशा उसी स्थान पर रहा। पर अचानक भारत भूमि के इस ऐतिहासिक गौरव पर आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और देश में जहां तहां सब मंदिर तोड़ने लगे। उनकी बुरी नजर अयोध्या पर भी पड़ी और हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर खंड खंड कर दिया। उसके बाद कई साल और सदियां गुजर गए। राम भक्त अपनी आंखों में उम्मीद की आस लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनके राम जी का मंदिर फिर से बनेगा। सन 1859 में इसे लेकर फिर से विवाद हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी पक्षपात किया और राम भक्तों को पूजा के लिए मंदिर के बाहर का स्थान दिया। फिर सन 1949 में भगवान राम के इस पवित्र स्थान को सरकार ने विवादित बताकर लगा दिया ताला। और फिर 1 फरवरी 1986 के दिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट K.M. पांडे ने आदेश जारी करते हुए राम भक्तों के लिए मंदिर फिर से खुलवा दिया। कहते हैं इस फैसले के बाद मजिस्ट्रेट साहब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर 1987 में आया धारावाहिक रामायण। राम भक्त जो अपने प्रभु का भव्य मंदिर बना हुआ देखना चाहते थे, धारावाहिक रामायण ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसके बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने औपचारिक तरीके से मंदिर का शिलान्यास करके मंदिर से सटी जमीन पर राम मंदिर के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिससे यह विवाद फिर से गहरा गया। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े दिग्गज इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। और उसी समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश का अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल ने उसी समय राम जन्मभूमि न्यास का गठन किया। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख महंत रामचंद्र दास परमहंस न्यास के अध्यक्ष बने और महंत नृत्य गोपाल दास को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, स्वामी वामदेव, स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी महाराज, डॉक्टर रामविलास वेदांती इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साध्वी रितंभरा, उमा भारती जी के साथ और भी कई लोग सड़कों पर उतरकर भगवान राम के लिए संघर्ष करने लगे। उसके बाद राम भक्तों ने कार सेवा शुरू की। 29 साल पहले कार सेवकों के साथ साधु संत अयोध्या कूच करने लगे। हनुमानगढ़ी के पास पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर पुलिस द्वारा चली गोलियों में श्री राम के 5 भक्त शहीद हो गए। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह गर्मा गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों बाद ही उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेव ये तीनों 2 नवंबर को सुबह के समय हजारों की संख्या में कार सेवकों का नेतृत्व करते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े जा रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। आसपास के घरों की छतों तक पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन 30 अक्टूबर को कार सेवकों पर हुई ज्यादती की वजह से लोग गुस्से से भरे थे। तभी पुलिस ने
सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई। कार सेवा के लिए कोलकाता से आए कोठारी बंधु भी इस गोलीकांड में शहीद हो गए। 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। अपने प्रभु के लिए ये राम भक्तों का जुनून था। उसके बाद राम जन्मभूमि को विवादित बताते हुए मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया था। जिनके राज्य में सबके साथ न्याय हुआ, वही प्रभु राम न्याय पाने के लिए जैसे जैसे स्वयं अदालत में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। साल दर साल गुजरते गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने राम भक्तों के हक में अपना फैसला सुनाया और इस तरह अंत में सच्चाई की जीत हुई। श्री राम ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, उतना ही संघर्ष किया श्री राम के भक्तों ने। सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर चलते रहे, महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहे, धूप गर्मी बरसात हर मौसम में टेंटों के घर बनाकर उनमें रहे, अपना पूरा जीवन खपा दिया। कई लोग अपने प्रभु के नाम पर शहीद हो गए। यह जीत उन राम भक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि है। श्री राम के देश में वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए, जो कभी एक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन से जुड़े थे, और जिस राज्य की धरती पर प्रभु राम का जन्म हुआ उसी सूबे के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। फिर तो अच्छी खबर आनी ही थी। और श्री राम को भी कोई व्यवधान पसंद नहीं है, वो तो न्यायप्रिय है और न्यायपूर्वक ही आना चाहते थे, और वही हुआ भी। अब बिल्कुल देर नहीं होगी, बहुत हो गया, अब नहीं होती और ज्यादा प्रतीक्षा। श्री राम भी समझ गए हैं अपने भक्तों की व्याकुलता और 5 अगस्त की तारीख तय हुई है। एक उत्सव अयोध्या में चल रहा है, ठीक वैसे ही जब श्री राम वनवास से लौटकर वापस आए थे, तब अयोध्या को सजाया गया था। नगर सज रहा है, अयोध्या ऐसा बन रहा है जैसे आज ही बना हो यह शहर, बिल्कुल नया अद्भुत। लोग अपने प्रभु का स्वागत करने को तैयार हैं। शिलान्यास होगा, रामलला भी देखेंगे और अपनी आंखों के सामने बनवाएंगे अपना मंदिर, जो उनके भक्तों के लिए होगा दुनिया में विशाल, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय और भव्य श्री राम मंदिर। तो आइए हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं। दिवाली से पहले और एक दिवाली, एक ऐसा दीपोत्सव जो संपूर्ण पृथ्वी के पार सैटेलाइट से भी दिखाई दे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और दंग रह जाएगी। तो बोलो जय श्री राम।